ಬಲಿ ಹೌದು. मोंटाना गांव की तबाही के पीछे हरे राक्षस का हाथ है. बिना किसी वारदात के 158 दिन. ब्राजील का एक शहर रोसीना फावेला. Agora a gente vai trabalhar a respiração. Aqui, emoção. Fear, no good. So emotion, controle. Movimentando o diafragma. É emoção, isso. É melhor para controlar o medo. É a melhor coisa que você pode fazer para ter um entendimento do seu corpo. Vamos controlar seu pulso. Respira. Thank you.
Vem cá. चल जाएगा लेकिन प्रेसिसार नोवा प्रेसिस उमा फैब्रिका नोवा वोसे सेम्प्रे मी अजुडा अ बेसा वें ट्रबालहार कोमिगो यू पोसो पागा ओ की वोसे वाल. ठीक है, वामुस ट्रबालहार. Martina, almorzar conmigo? Sei de qui, gringo? Tutto bene? Tieni un problema? Sen problema. Das mais. Ai, non mi deixo con fome. Che? Non van quando io fome. Nem me consigo garantir que é que porra! Ei, para com isso! Para! Para! Achou? Não é gênio, não. Achei. A mesmo? Oh, thank you. ये देखा, यहां से निकलने का रास्ता. मैसेज प्राप्त हो रहा है. मिस्टर ब्लू, मिस्टर ग्रीन, हेलो, मुझे मिल गया. चलो अच्छा है, कितना खूबसूरत फूल है ना. इसकी और बड़ी खुराक लेकर देखो, जल्दी करो. गुड लक.
नाकामयाब। अच्छा तुमने कितना इस्तेमाल किया था? सारा का सारा। मिलने का वक्त आ गया है। यह खतरनाक है। गेमा के जहर के साथ रहना भी खतरनाक है। फूलों के पीछे दौड़ना बंद करो, मुझे एक साइकिल भेजो। तुम्हारी मर्जी के बिना मैं मदद नहीं कर सकता। वर्जीनिया शहर में आर्लिंगटन। इसे देखिए, इसमें कुछ दिलचस्प बातें हैं। ये गैमा की बीमारी हो सकती है। एक आदमी ने उस कुराना सोडा की ड्रिंक ली। जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा नशा हो गया। बोतलें कहाँ भरी गई थी? पोर्टो वर्डे, ब्राजील। इसी वक्त कमांडो से कहो कि बॉटलिंग प्लांट में एक गोरे आदमी की तलाश करे, पर किसी भी हाल में उसे पता न चले वरना वो भाग जाएगा। जितने मिले सब ले आया हूँ। वक्त कम था पर ये सब बेहतरीन है, और आपके लिए एक एक का भी है। जानता हूँ इस काम के लिए तुमने कितनी पैतरीबाजी की होगी। चलो आपके काम तो आया, बस काम बढ़िया कर। ये है वो निशाना और ये है वो जगह। उसे घेर लो, पकड़ो, मगर जिंदा। तुम्हें बेहोश करने वाले पर्चे और हथियार मिल जाएंगे, और गोला बारूद आखिरी तरकीब होनी चाहिए। ये काम बिना शोर शराबे के करना है। क्या वो लड़ाकू है? तुम्हारे निशाने पर सरकार का एक भगौड़ा है जिसने मिलिट्री के खुफिया राज चुराए हैं। इसके अलावा वो दो साइंटिस्ट, एक मिलिट्री ऑफिसर, एक पुलिस ऑफिसर और दो कैनेडियन शिकारियों की मौत के मामले में भी फंसा है। इसलिए चाहे वो लड़ाकू हो या नहीं, इसकी फिक्र मत करो। उसे बेहोश करो और वापस लेकर आओ। मैसेज प्राप्त हो रहा है। अच्छी खबर है। खून की शुरुआती और पहली जांच कैमा में कटौती दिखाती है। ये मुझे ठीक कर देगी, उम्मीद तो है, पर मुझे एक्सपोजर लेवल्स बहुत जानकारी, कैमा कॉन्सेंट्रेशन, सेल सैचुरेशन वगैरह की जरूरत पड़ेगी। थक रहेगी, नामुमकिन जानकारी आनी है। कहाँ है? चुप कराओ।
आज्ञा। कहाँ है वो? Muito ruim. You bang, Gigi. I'm very, very angry.
तुम समझ नहीं रहे, यहाँ कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। मुई तो हूँ। पता नहीं और कौन इन्हें देख रहा है। मैंने गोली चलाई तभी समझ गया था कुछ गड़बड़ है। ये बैग उसी के पास से मिला। शायद गर्लफ्रेंड हो या कोई मदद करने वाली। अब वो उसकी कोई नहीं है। उसके लिए दरवाजा बहुत पहले बंद हो चुका है। वो अकेला है, अकेला ही रहना चाहता है। पता लगा वो किससे मिलता था। माफ कीजिएगा सर, वहां जो कुछ भी हुआ उसके बारे में कोई बात करना क्यों नहीं चाहता। हमने उसे नहीं खोया और वो अकेला नहीं था सर, हम उसे पकड़ने ही वाले थे। तभी अचानक हमारे सामने एक ऐसी चीज आ गई जो बहुत ही बड़ी थी। वो क्या था? उसने एक भारी भरकम ट्रक को उठाकर ऐसे फेंका जैसे फुटबॉल हो। इतनी शक्तिशाली जो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। अब तो वो चला गया। अगर बैनर जानता है कि यह क्या है तो मैं इसे जमीन खोद कर भी ढूंढ निकालूंगा और मैं अपना पैर उसकी गर्दन पर रख दूंगा। वो बैनर ही था। वो ब्रूस बैनर था।
मैं समझा नहीं, आप खुलकर समझाएंगे सर? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। तुमने अच्छा काम किया है, सामान उठवा लो और हमारे आदमियों को प्लेन में बिठाओ, हम वापस जा रहे हैं। बिना किसी वारदात के एक दिन कैसे सुबह मकान बना? यो नो हालो पुर्तगेस। मैं कहाँ? ¿Dónde estoy? En Guatemala. Pueblito está 80 kilómetros más adelante. ¿Me ayuda, por favor? Claro. Vamos, hace frío. Sube. ¿Dónde está? ¿A dónde va? A mi hogar. मैं पहले भी बेकार के मिशन में इससे भी बुरे हालात में फंस चुका हूँ। मैंने अच्छे लोगों को मरते हुए देखा है, क्योंकि किसी ने हमें ये नहीं बताया कि हम करने क्या जा रहे थे। अब मैं अगले मिशन पर निकल पड़ा हूँ, क्योंकि यही तो मेरा फर्ज है, क्यों, यही मेरा काम है। लेकिन ये मिशन तो वाकई अजीबोगरीब है, और इसे छोड़कर जाने का मेरा कोई इरादा नहीं। अगर आप फिर से उसे पकड़ने वाले हैं तो मैं भी आऊंगा। बरामद मानिए सर, आपको एक ऐसी टीम चाहिए जो जी जान से लड़ने को तैयार हो, क्योंकि अगर वो चीज फिर से सामने आई तो आपके बड़े बड़े अफसर भी दुम दबाकर भागने लग जाएंगे सर। मेक्सिको का एक शहर चियापास। आज जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो बेहद संजीदा है, खुद मेरे लिए और सेना के लिए भी। तुम जानते ही हो कि हमारा एक इन्फेंट्री वेपन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है। लेकिन पता है, दूसरे विश्व युद्ध में उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया था जो सेना की फौलादी ताकत को बढ़ाने के लिए था। हाँ, सुपरमैन जैसा सैनिक। हाँ, लेकिन जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं। मैंने उसी प्रोग्राम को फिर से झाड़पोछ कर निकाला और ये खतरनाक काम शुरू किया। इन्फेंट्री वाले तुम्हें बेहतर हथियार देने में लगे थे और हम तुम्हें बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे। बैना का काम अभी शुरुआती दौर में ही था, उसने हथियार पर काम शुरू भी नहीं किया था। उसे लगा कि वो रेडिएशन रुकावट पर काम कर रहा है। मैं उसे कभी ना बताता कि असल में प्रोजेक्ट क्या था, पर उसे अपनी खोज पर इतना भरोसा था कि उसने उसे खुद पर ही टेस्ट कर लिया। और कहीं कुछ बहुत बड़ी गलती हो गई।
या फिर कहें बहुत सही हुआ। जहां तक मैं समझता हूं उस आदमी का पूरा बदन सेना की संपत्ति है। आपने कहा था वो हथियारों पर काम नहीं कर रहा था, है ना? नहीं, लेकिन आप कुछ कर रहे थे, आप दूसरे तरीके ढूंढ रहे थे। हमने एक सीरम बनाया था जिसमें काफी गुंजाइशें थी। तो वो भागा क्यों? वो एक साइंटिस्ट है, हम जैसा फौजी नहीं। ब्लॉन्स्की, तुम कितने साल के हो? 45? 39। काम का असर तो पड़ता ही है। हाँ वो तो है। तो फिर निकलो इस जंग से, रिकॉर्ड के मुताबिक तुम्हें तो अब तक कर्नल होना चाहिए था। नहीं, मैं एक सिपाही हूँ और मरते दम तक सिपाही ही रहूंगा। लेकिन आज जिसके बारे में पता चला है, अगर उसे 10 साल पहले अपने बदन में डाल सकता तो मैं भी एक भयंकर दानव बन सकता। ठीक है, शायद मैं इसका इंतजाम कर सकता हूँ। वर्जीनिया में कल्वर यूनिवर्सिटी। बिना किसी वारदात के 17 दिन। अपना ख्याल रखना बच्चों। बन बन। स्टैन, मेरा यकीन करो, तुमने जो कुछ भी मेरे बारे में सुना है गलत है। हाँ हाँ, जानता हूं, हमेशा ही जानता था। तुम्हें पता है तुम दोनों मेरे कितने अजीज हो। तुमने उससे बात की? नहीं, वो नहीं जानती कि मैं यहां हूं। वो किसी के साथ है? वो एक साइकेट्रिस्ट है, कहते हैं वो बहुत ही काबिल है और एक अच्छा इंसान भी। गुड, अच्छा है। ब्रूस, बताओ तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूँ? रहने के लिए मुझे जगह चाहिए थी। कोई नहीं, ऊपर वाला कमरा खाली पड़ा है। बड़ी मेहरबानी होगी तुम्हारी। कोई बात नहीं। स्टैन, एक और चीज चाहिए मुझे। रास्ता दीजिए। दोस्ती 5वें माले पर पहुंचाना है। मेरे ख्याल से ऊपर सब बंद हो चुका है। ओह, मर गया। अगर ऑर्डर के पैसे नहीं लिए तो मेरी नौकरी चली जाएगी। ऊपर जाकर देखने दो। एक काम करते हैं, एक एक्स्ट्रा पिज्जा है मेरी तरफ से फ्री। ये हुई ना बात। खुश रहो मेरे दोस्त।
ये क्या? मिस्टर ग्रीन, जानकारी मिली, जानकारी खैर है, उसके बिना कुछ नहीं कर सकता। अब क्या करें? मुझे भागते रहना होगा। तो अब क्या करें? मुझे भागते रहना होगा। अब कोई खाना वाना नहीं मिलेगा। आई एम सॉरी। कम ऑन स्टैन, आज फ्राइडे नाइट है। तुम लोग? मेरे पास सॉस के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे तो पिज्जा खाना ही है, प्लीज। ये आज भी खाने के वक्त काम कर रही थी। कुछ नहीं। स्टैन, मैंने उससे कहा, नहीं नहीं, उसने मुझसे पूछा, फिर मैंने उससे कहा कि भाई तुम आखिर थे कहाँ? मैंने तो तुम्हें देखा नहीं कहीं से सिर्फ। तो उसने कहा कि मैं वहां नहीं था जहां तुम थे। ओह माय गॉड। जानती हो, मैंने करीब करीब 35 नहीं 40 मिनट बर्बाद कर दिए उसे सिर्फ ये समझाने में कि भाई मैं वहां था। हो गया तुम्हें? बेटी, मुझे बताइए, जो मैंने देखा वो सही था या गलत? समझ में नहीं आ रहा है, क्या कहूं? प्लीज सच बता दीजिए। जानकारी है। इससे पहले कि वो लोग सब ले जाते, मैंने इस पर कॉपी कर लिया था। मुझे लगा कि शायद किसी दिन हमें इससे कुछ पता चले। जनरल को पता है ये तुम्हारे पास? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। मैंने कई सालों से उनसे बात नहीं की है। तुम्हें पता होना चाहिए। ब्रूस, समझ में नहीं आता कि हम दोनों साथ चलकर उनसे बात क्यों नहीं कर सकते हैं। उन्होंने मुझे बताया था वो क्या करना चाहते हैं।
इसे मेरे अंदर से निकाल के इसे चीर फाड़ करके इसे दोहरा बनाना चाहते हैं, एक हथियार बनाना चाहते हैं। सुनो, मुझे जल्दी निकलना होगा, जितनी जल्दी हो सके। क्यों? जरा रुक नहीं सकते? चाहता तो हूँ, पर यहाँ रहना मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अगर कुछ पैसे मिल जाते तो जरूर, मुझे बस पकड़नी है। कम से कम मुझे स्टेशन तक तो चलने दो। ठीक है, जो कुछ चाहिए सब है। हाँ, तुम थोड़ा आराम कर लो। हम तुम्हें अब छोटा डोज दे रहे हैं, तुम्हें चौकन्ना और चुस्त रहना है। जैसे ही कोई साइड इफेक्ट लगने लगे हम ये प्रयोग रोक देंगे। फिलहाल तुम कमांडो टीम से बाहर रहोगे, मंजूर? जी हाँ। तुम्हें दो अलग अलग इंजेक्शन दिए जाएंगे, एक गहरे मसल्स में और एक बोन मैरो के बीचों बीच, जो दर्दनाक होगा। सब ठीक तो है ना? लगता तो है। एक मिनट। क्या क्या हुआ? मैं बस ये करना चाहती थी, ऐसे ज्यादा अच्छा लगता है। ये कपड़े अजीब लगते हैं ना? क्षमता। मेरी तरफ देखो, तुम्हें जितना हो सके मुझसे दूर जाना होगा, जल्दी जाओ। तीन मिनट में टारगेट निशाने पर होता, ये जल्दबाजी किसने की? वो 270 की तरफ जा रहा है। अभी नहीं सर,
काफी मजा आएगा। नहीं रही हो, चलो अंदर चलो। उधर खड़ा है, वो पुल पर है, ठीक है? अभी कुछ मत करना, रिपीट कुछ मत करना। वो अंदर बंद हो गया। उस पर गैस के दो गोले छोड़ो, दोनों तरफ से। कैमरे उसी पर रखो। Mujhe
मारो इसे। गनशिप हो गया। क्रॉस की पीछे हट जाओ, पीछे हटो। इतनी सी ताकत? तुमने हमें बुलाकर अच्छा किया, क्योंकि पता होना चाहिए कि वो दोनों कहां जा रहे हैं। जब तक वो उसके साथ है, उसकी जान को खतरा है। पर खतरा किससे? आपने तो उसे मार ही डाला था, बचाया तो उसने था। मेरा यकीन करो, इस वक्त उसकी हिफाजत मेरे लिए सबसे बढ़कर है। एक बात कहूं, मुझे अपने पेशे पर फख्र है, इसलिए कि जब कोई झूठ बोलता है तो मुझे पता लग जाता है, और इस वक्त आप झूठ बोल रहे हैं। मैं नहीं जानता वो कहां गए हैं, पर इतना जानता हूं कि वो उसकी पूरी मदद करेगी। अगर वो एक भगौड़े की मदद कर रही है तो मैं उन दोनों की मदद नहीं कर पाऊंगा। मैं हमेशा यही सोचता था कि वो आपका जिक्र क्यों नहीं करती। अब समझ में आया क्यों। ऐसे नमूने मेरी बेटी को कहां मिल जाते हैं।
अपना सर संभाल। ये कभी चल पाएगा? इस वक्त तो उसके शरीर की सारी हड्डियां चूर चूर हो चुकी हैं। एक बात तो कहनी पड़ेगी, उसका दिल बिल्कुल मशीन जैसा है। रेस के घोड़ों के अलावा ऐसा दिल किसी और का नहीं देखा। हाँ, अब जरा बेहतर लग रहा है। अच्छी बात है। मुझे बस अपनी पेन ड्राइव निकालनी थी। तुम कहाँ गए? हाँ, वो हालात कुछ ऐसे थे कि मुझे यही सूझा। वाह। हाँ तो उनके पास ज्यादा चॉइस नहीं थी, फिर भी जो मिला मैं ले आई हूँ। सबसे पहले तो ये लो। वाह, क्या बात है। क्या? ये तो इलास्टिक में यही एक कलर था। बेहतर होगा मैं कुछ भी ना पहनूं। आज सुबह कलवर यूनिवर्सिटी के कैंपस में मिलिट्री फोर्स और एक अनजान दुश्मन के बीच हुई खतरनाक मुठभेड़ की अफवाहें बड़ी जोरों से शहर में फैल रही हैं। सेकंड ईयर के दो स्टूडेंट्स इस मुठभेड़ के चश्मदीद गवाह हैं। वो इतना बड़ा था, इतना बड़ा जैसे हाँ, कि हाँ बिल्कुल हल्क हो। एक स्टूडेंट ने, जो कैंपस के अखबार के रिपोर्टर हैं, इसे अपने सेलफोन पर उतार लिया था। इस रहस्यमय हल्क की तलाश को फिलहाल बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह है पहाड़ी इलाके के जंगलों में आया हुआ तूफान। पीछे ज्यादा छोटे मत कर देना। मैं ये पहले भी कर चुकी हूँ, याद है? समझ नहीं आता इतने दिन तुमने ये सब अकेले कैसे किया। कैंची से और कैसे।
रुको, रुको। क्यों? क्यों? हम ये नहीं कर सकते। पर मैं चाहती हूँ। नहीं, मैं नहीं कर सकता। मैं जज्बाती नहीं हो सकता। क्या सर, ऐसा भी नहीं? It's okay. सर, ब्लॉन्स्की। कुछ पता चला उसका कोई रिश्तेदार है या नहीं? आप खुद ही पूछ लीजिए। सर, थैंक यू सर। अब कैसा लग रहा है? बदले की आग से तीसरी फाइट को जला दूंगा। हम इनमें से सिर्फ कुछ ही चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना वो हमें ढूंढ लेंगे। मेरा लिप ग्लॉस, उसे भी ढूंढ सकते हैं? नहीं, तुम अपना लिप ग्लॉस ले सकती हो। शुक्रिया। और मुझे अपना चश्मा भी चाहिए। हाँ, तुम चश्मा और घड़ी रख सकती हो। ओके। तो ज्यादातर चीजें रख सकते हैं, सिर्फ क्रेडिट कार्ड्स, आईडी कार्ड और फोन नहीं। इसे तो ऑन भी मत करना। ओके। और हाँ, पैसे तो लेने ही पड़ेंगे। हमें जहाँ जाना है वहाँ बिना क्रेडिट कार्ड के सिर्फ $40 में कैसे जाएंगे? हम इसे बेच सकते हैं। नहीं, ये तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है, इसे नहीं। बाद में पैसे चुकाकर खरीद लेंगे। FBI फोन्स, क्रेडिट कार्ड्स और डॉक्टर रॉस के इंटरनेट अकाउंट पर नजर रखे हुए है, और यहाँ की पुलिस को भी इत्तला कर दिया है। वो कहीं ना कहीं तो बाहर आएंगे और तब हमें जगह का भी पता चल जाएगा। अचानक तो सामने नहीं आ जाएगा। 5 साल वो आराम से घूमता रहा और पकड़ा नहीं गया। अब वो शातिर कोई सुराग नहीं छोड़ेगा। अगर वो भागना चाहता तो कब का भाग गया होता। इस बार वो भाग नहीं रहा, उसे मदद की तलाश है, और हम पता करेंगे कि वो कहां मदद ढूंढ रहा है और किससे संपर्क कर रहा है। आप सबके पास मिस्टर ग्रीन और मिस्टर ब्लू के ईमेल्स की कॉपीज हैं, जो उनके गुप्त नाम है और जिन्हें शील्ड ऑपरेशंस डेटाबेस से जोड़ दिया गया है। अगर वो सांस लेने भी बाहर आएगा तो हम जान जाएंगे। अगर उसने चूँ भी की तो हम सुन लेंगे, और कोई गलती की तो हम उसे दबोच लेंगे। जब यह होता है तुम्हें कैसा महसूस होता है? तुम्हें हार्वर्ड के वो एक्सपेरिमेंट्स याद है जिनमें हमने हिस्सा लिया था, जो दिमाग में माया जाल पैदा करते थे? मानो ये उससे 1000 गुना ज्यादा तेज है जब मुझे दौरा पड़ता है, जैसे किसी ने मेरे दिमाग में 1 लीटर तेजाब डाल दिया। तुम्हें कुछ याद रहता है? बस कुछ टुकड़े, तस्वीरें। बहुत ज्यादा शोर होता है और मुझे कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन अंदर तो आखिर तुम ही हो ना? नहीं, ऐसा नहीं। पता नहीं, लेकिन गुफा में तो मुझे सचमुच ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे जानता है। शायद उसमें तुम्हारा ही दिमाग है, लेकिन इतने सारे बदलाव की वजह से शायद कुछ समझ नहीं पा रहा है। मैं इस पर काबू नहीं पाना चाहता, इससे छुटकारा चाहता हूँ। तुम तैयार हो ना? हाँ, मुकाबला बराबरी का होगा। शुरू करें। ब्रूस, उठो, लगता है यहाँ कोई गड़बड़ है। अधिकारी
हमें जाना होगा पीछे की तरफ, लेकिन धीरे से चलना। ट्रेन से ही सबसे जल्दी पहुंचेंगे। मैं मेट्रो ट्रेन में जमीन के नीचे इस बेरहम शहर में, वो भी हजारों लोगों के साथ। सही कहा, टैक्सी ले लेते हैं। बिल्कुल सही। इतना चला के और ये ड्राइविंग पसंद नहीं आई क्या? अरे कभी जानती हो, मैं ऐसी कई तरकीब जानता हूँ जिसे तुम अपने गुस्से पर काबू पा सकती हो। अब हम चल के जाएंगे। ओके। एक्सक्यूज मी डॉक्टर स्टर्न्स जी, तकलीफ के लिए माफी चाहती हूँ, मैं एलिजाबेथ रॉस हूँ। डॉक्टर रॉस, मैं आपसे किसी को मिलाने लाई हूँ। ठीक है, आप मिस्टर ब्लू हैं, है ना? मिस्टर ग्रीन, सच कहता हूँ, हमेशा सोचता था तुम रियल हो भी या नहीं, और अगर हो तो फिर कैसे लगते होगे? एक ऐसा इंसान जिसके अंदर कमाल की ताकत, फौलादी ताकत भरी हो, और फिर इतना भोला सा, मेरा मतलब है सीधा साधा इंसान मेरा हाथ मिला रहा है। मेरे कहने का यह मतलब है कि अगर सब कुछ ठीक हो भी जाए, अगर हम ये एक्सपेरिमेंट शुरू कर दें, अगर हमें बिल्कुल सही डोज मिल भी जाए, तो क्या यह पक्का इलाज होगा? सिर्फ एक ऐसा इलाज जो पल भर के लिए इस ताकत को काबू मिलाए? क्या पता, अब हम यहां बगीचे में टहलते हुए पिकनिक मनाने, अगर इस एक्सपेरिमेंट में जरा सी भी ऊंच नीच हो गई तो याद रखना इसका अंजाम एक तेज किस्म की जहरीली दवाई की तरह होगा। यानी इससे मर भी सकता है? मर सकता है, हाँ क्यों नहीं, मर भी सकता है। इसका एक और पहलू आपको पता होना चाहिए, अगर सही डोज नहीं बना और वो डोज मुझे दिया गया और वो नाकाम रहा, तो ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। देखो, मैंने हमेशा जानने में ज्यादा दिलचस्पी ली है, ना कि सावधानी बरतने में, तो करें या नहीं? टेबल पर लेटो, अगर कुछ ज्यादा गड़बड़ हुई तो ये तुम्हें अपने आप से बचाएंगे। हा? क्या होगा, क्या हुआ था ये मुझे बाद में पता है। ओ कम ऑन, बच्चे खिलौने बना के छोड़ दे। यस, घबरा मत, थोड़ा अजीब लगेगा, अब हम तैयार। डायलिसिस मशीन तुम्हारे खून के साथ एंटीडोट को मिलाएगी और रिएक्शन पूरा होते ही एंटीडोट काम करने लगेगा। ठीक है शंत्रा। ओके।
से यहां तक सब ठीक चल रहा है। तैयार? शुरू करें धमाका? इस पर से अपना हाथ हटा लो। ये काम मैंने आज से पहले कभी नहीं किया है, इसलिए तुम्हें बताना होगा कि एंटीडोट कब इस्तेमाल करना है। आज तक मेरे साथ अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कमाल का अनोखा तजुर्बा कभी भी नहीं हुआ। ठीक है बस भी कीजिए प्लीज, वहाँ जो कुछ भी हुआ वो कैसे हुआ हमें समझना है। बिल्कुल ठीक है, ये गामा पल्स जो है अमिग्डाला से मिली थी। मेरे ख्याल से डॉक्टर रॉस का प्राइमर सेल्स को अस्थायी तौर पर एनर्जी सोखने देता है और फिर खत्म हो जाता है। यही वजह है कि बरसों पहले लोग रेडिएशन की बीमारी से मरते नहीं थे। अब शायद हमने उन सेल्स को हमेशा के लिए बेअसर कर दिया या फिर पूरी तरह दबा दिया है। मुझे लगता है कि उन्हें पूरी तरह दबा दिया, क्योंकि जिन जिन पर टेस्ट किए उनमें से कोई भी नहीं बचा। हाँ, हम अगर उन्हें प्राइमर रुके 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 आपने क्या कहा? उन्हें प्रोटीन प्राइमर का सही डोज नहीं मिला। नहीं नहीं, जिन पर टेस्ट किए थे मतलब किन पर टेस्ट किए थे? आओ मेरे साथ। बताओ क्या हो रहा है? हमारे आदमी ने डॉक्टर स्टोन के लैब को घेर लिया है। हमारे एक्सपेरिमेंट चूहों से शुरू हुए पर इसने इसे पूरी तरह तबाह कर दिया, इसलिए हमें बड़े जानवर लेने पड़े। अब हमें यह भी नहीं पता कि ज्यादा जहरीला क्या है, गामा रेडिएशन या तुम्हारा खून। क्या मतलब मेरा खून? रूस, ये सारा तुम्हारा खून तो है। तुमने मुझे काम करने के लिए ज्यादा खून नहीं भेजा, इसलिए मुझे उसे गाढ़ा करके ज्यादा बनाना पड़ा। बस थोड़ी सी कोशिश करके देखो हम क्या नहीं कर सकते। हम नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं। देखो ब्रूस, इस गामा टेक्निक के बेशुमार इलाज हैं। हमें इससे हजारों इलाज मिल सकते हैं। बीमारियां इंसान को छू तक नहीं पाएंगी। नहीं नहीं, हम इसे नष्ट कर देंगे। क्या क्या? सारा का सारा। आज रात हम इसे जला देंगे, बस इतना ही खून है ना। क्या कहा? हमें इसके लिए नोबेल प्राइज मिल सकता है। आपको इसकी ताकत का बिल्कुल अंदाजा नहीं है। ये बहुत ही खतरनाक है, इस पर काबू पाना नामुमकिन है। वक्त आ गया निशाना लगाने का। प्लीज जरा सोचो, तुम्हारे खून से पर ये फायदा हो सकता है। निशाना नहीं लगा। ब्लॉन्स्की अंदर जा रहा है।
की वापस आओ, मेरी बेटी अंदर है। हमारे पास इसका इलाज है। उन्हें इलाज नहीं चाहिए, वो चाहते इसे हथियार बनाने को। ये जानकारी उन्हें मिली तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको कोई अंदाजा नहीं है ये कितना शक्तिशाली है। देखो, मैं भी औरों की तरह सरकार से नफरत करता हूँ, पर तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो? यहाँ से निकल जाओ। कहाँ है वो? मैडम ये लीजिए। अगर तुमने अपने खून के साथ कोई गड़बड़ की तो जिंदा दफन कर दूंगा। बैठिए। इस सब के लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। वो एक भगोड़ा है। आपने उसे भगोड़ा बना दिया अपनी नाकामयाबी छिपाने और अपनी नौकरी बचाने के लिए। आज के बाद मुझे कभी अपनी बेटी मत कहना। क्योंकि तुम मेरी बेटी हो, इसलिए तुम्हें अभी तक हथकड़ियां नहीं लगी हैं। मतलब तुम उस जैसे और बना सकते हो? नहीं, अभी नहीं। देखो, मेरे पास थोड़ी बहुत जानकारी थी, पर इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि मैं सारे तामझाम इकट्ठा करके बिल्कुल वैसा ही शख्स बना सकता हूँ। वो एक अजीब हादसा था, हमें इससे और बेहतर करना है। सिर्फ बैनर ही है जो समझी। ये लड़की कितनी बेहुदा है। लोगों को तुम हमेशा मारते क्यों रहते हो? अब ऐसा मैंने क्या कर दिया कि तुम मुझ पर ही बरस पड़े? तुमने अभी तक कुछ नहीं किया, लेकिन करने जा रहे हो। तुमने बैनर से जो चीज निकाली है वो मुझे चाहिए। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर कुछ है ना? मुझे और चाहिए। तुमने देखा ना वो क्या बन जाता है? हाँ, मैंने देखा है। बहुत ही खूबसूरत है, रूहानी। वही मुझे चाहिए, वही चाहिए। मुझे वैसा ही बनना है। क्या पता तुम्हारे अंदर पहले से ही क्या डाला है। अगर उसमें कुछ और मिलाया तो अंजाम भयंकर होगा। ऐसा तो नहीं कहा कि मैं नहीं करूंगा, बस मरीज की हैसियत से तुम्हारी इजाजत चाहता था, और वो तुमने दे दी। उसने हमारे दो
कोई बड़ी सी चीज अभी यहाँ से निकली है। जनरल जरा इसे सुनिए, हर सड़क पर आ गया है, आई रिपीट, हर सड़क पर आ गया है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, तुम होश में तो हो, तुम्हारी पोजीशन क्या है? 120 फोर्स की हम प्रार्थना की तरफ जा रहे हैं। वापस चलो। हम वापस जा रहे हैं, हम वापस क्यों जा रहे हैं? डैमिट, दिखाओ मुझे नीचे क्या हो रहा है। जी सर। वो क्या चीज थी? चलो चलो चलो। सुनिए तो इसमें आपका हाथ है। सारे हथियार बटोर कर निकल जाएं। इससे मुझे ही लड़ना होगा। क्या? आपको मुझे वहां ले जाना होगा। ये क्या कह रहे हो? तुम्हें लगता है तुम उसे काबू में कर सकते हो? नहीं, काबू नहीं, पर मैं कोशिश तो कर सकता हूँ। अगर नाकाम हुए तो? ये चीज हमने बनाई है, हम सब ने। प्लीज हमें नीचे उतारो। नहीं नहीं नहीं, ऊपर रखिए, पीछे का दरवाजा खोलिए। रुक जाओ, रुको! ये क्या कर रहे हो? जरा सोचो तो सही, तुम ये भी नहीं जानते कि तुम बदलोगे या नहीं। ये करने की क्या जरूरत है? प्लीज, ये पागलपन है। बड़ी मुझे कोशिश करनी है। Thank you.
थोड़ी सी ताकत। इस मशीन गन को चलाओ जवान, उसकी मदद करो। किसकी मदद करूं? अरे वाले की बेवकूफ, तुम्हें क्या लगा दूसरे वाले को घूम डालो।
बारिश। हाँ, छोड़ दूंगा। ब्रिटिश कोलंबिया का शहर बेलाकुला। बिना किसी वारदात के 0 दिन। भर दो।
सब तरफ बासी बियर और हार की बदबू आ रही है। मुझे ये कहना अच्छा तो नहीं लगता जनरल, पर सुपर सोल्जर प्रोग्राम रद्द करने की खास वजह थी, और मेरा हमेशा से यही विश्वास रहा कि हथियार ज्यादा भरोसेमंद। टोनी स्टार्क। जी जनरल। तुम हमेशा कितने अच्छे सूट पहनते हो। शौक है। सुना है आपको बड़ी अजीबोगरीब तकलीफ है। तुम अपनी सुनाओ। तो फिर सुनिए, अगर हम मिलकर एक टीम तैयार करें तो। ये हम कौन है?